Dear students, to understand the relationship between cell function and cell structure, now I am going to draw some of the shape and sizes of the cells in front of you in order to show you that how different types of cells are different from each other on the basis of not only their structure but how they are actually related to their function as well. So starting from red blood cells first. Red blood cells. So red blood cells are round in shape. They are round in shape. They are biconcave disc-like in shape in this manner. रेड ब्लड सेल्स का शेप जो है उन्होंने कहा कि ये राउंड होता है. राउंड क्यों होता है? तो ऑब्वियसली राउंड क्या है? राउंड इसकी शेप है. राउंड शेप है और शेप और साइज के हवाले से हम ये जानना चाह रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है वो अल्लाह ताला ने ऐसी क्यों बनाई. तो दे आर राउंड इन ऑर्डर टू अकोमोडेट, क्योंकि ये अपने अंदर एक रेड कलर की प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है उसको अपने अंदर जगह देती हैं या जगह देते हैं ये सेल्स, ताकि हीमोग्लोबिन अपना जो है वो फंक्शन रेड ब्लड सेल्स के लिए परफॉर्म कर सकें. हीमोग्लोबिन ना सिर्फ ये कि रेड ब्लड सेल्स को रेड कलरेशन देती है बल्कि साथ साथ एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम है वो भी हीमोग्लोबिन की इस प्रोटीन की मदद से होती है. नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सेल इज नर्व सेल्स. नर्व सेल्स, नर्व सेल्स जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, लंबाई में लंबे, और लंबे कुछ इस तरीके से होते हैं कि सपोज़ कि मैं इसका पहले आपके सामने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लंबे किस तरह होते हैं. तो ये है स्ट्रक्चर एक नर्व सेल का, हैविंग ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम इट्स मेन पार्ट दैट इज सेल बॉडी, हैविंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस in the center, and there is a long rod shaped structure in the cell called axon. तो ये जो पूरा structure मैंने इस वक्त आपके सामने draw किया, this structure is called nerve cell. ये nerve cell को indicate कर रहा है. अब ये nerve cells जो हैं वो body के अंदर up to 1 meter भी long होते हैं, और इनकी इस लंबाई का फ़ायदा जो है किसी भी organism की body में ये होता है कि ये nerve impulses को, nerve impulses means पैगामात, नर्व इम्पल्सिस किसे कहते हैं? मैसेजेस को, कि ये आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस होते हैं वो आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी में और फिर बॉडी से दोबारा से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड या देने का काम अंजाम देते हैं. फिर हम मूव करेंगे थर्ड एग्जांपल पे, एंड द थर्ड एग्जांपल इज जाइलम सेल्स. जाइलम सेल्स विच आर प्रेजेंट मेनली इन द वेस्कुलर प्लांट्स. जाइलम सेल्स क्या होते हैं? जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं. ये ट्यूब की तरह यानी पाइप की तरह के सेल्स होते हैं, और इनकी जो आउटर वॉल्स होती हैं ये बहुत थिक होती हैं. यानी ये समझ लें कि ये मैं आउटर इनकी वॉल ड्रॉ कर रही हूँ, एंड दीज वॉल्स आर वेरी थिक. ये बहुत ही मोटी दीवारों के हामिल सेल्स हैं जो कि प्लांट के अंदर दो तरह की जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नंबर वन, सबसे पहले ये कि ये कंडक्शन का काम करते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? वाटर और सॉल्ट्स की ट्रांसपोर्ट. कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट. ये पौधे के अंदर दो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अलोंग विद मिनरल सॉल्ट्स, जो भी आप लिख लें सॉल्ट्स या मिनरल्स, इनकी ट्रांसपोर्ट या कंडक्शन का काम जो है वो जाइलम सेल्स के ज़िम्मे होता है. इसी तरीके से इनकी जो थिक वॉल्स होती हैं, थिक वॉल्स ऑफ जाइलम सेल्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. यानी सबसे अहम काम इनका ये भी होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ना सिर्फ ये कि बल्कि साथ साथ ये थिक वॉल्स की वजह से पौधे को एक ख़ास किस्म की सपोर्ट या सहारा फराहम करते हैं जिससे पौधा जो है वो गिरता नहीं है, ये पौधा अपनी जगह पर मजबूती से कायम रहता है.